ओके हेलो एवरीवन वेलकम टू जेनिक जय ए स्टडी मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को जो हाइड्रोलिक्स का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि फ्लो डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आप लोगों से और ये जो है हमारा एक और फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस है जिसका नाम है ऑरिफेस मीटर तो आज मैं आप लोगों को मीटर के बारे में बताऊंगा इससे रिलेटेड जो फ्लो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला को वो पढ़ाऊंगा ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताऊंगा जिसे आप लोगों को याद रखना है और उसके साथ मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराऊंगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोगों ने पहले मेरी वीडियो को नहीं देखा है और पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए ठीक है तो चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहां पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस डिवाइस के बारे में वो डिवाइस है आपका ऑरिफिस मीटर तो सबसे पहले तो मैं यहां पर बता देता हूं कि ऑरिफिस मीटर एक्चुअली में आपका होता क्या है ऑरिफिस मीटर ठीक है देखिए जो ऑरिफिस मीटर होता है लाइक वेंचुरी मीटर ये भी आपका क्या होता है ये भी आप लोगों का एक फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है तो और इफ इस मीटर इज अ इट इज आल्सो अ फ्लो मेजरिंग डिवाइस फ्लो मेजरिंग फ्लो मेजरिंग डिवाइस ठीक है ये भी आपका क्या होता है फ्लो मेजरिंग डिवाइस होता है फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस का मतलब क्या होता है यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इट मेजर्स दी इट दी डिस्चार्ज ऑफ दी डिस्चार्ज ऑफ फ्लोइंग फ्लूड यहाँ पे भी ये किसको मेजर करता है डिस्चार्ज और फ्लोइंग फ्लूड को मेजर करता है ठीक है इसे हम जनरली कहा फिट करते हैं ये जो हमारा ऑरिफिस मीटर होता है डिवाइस है जो कि डिस्चार्ज को मेजर कर रहा है डिस्चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं डिस्चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया इन टू वेलो सिटी इसका भी यही जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डिस्चार्ज का तो यही होता है ठीक है जहां पे ए आपका होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और बी आपका क्या होता है

फिट करते हैं इसको भी हम कहां टू वेंचुरी ऑरिफ्रिज मीटर भी है वेंचुरी मीटर भी है दोनों डिस्चार्ज को मेजर करता है तो दोनों को अलग अलग हमने क्यूब बनाया दोनों का अलग अलग आ, क्या यूज है इसका अपना एक एप्लीकेशन है कुछ लिमिटेशन होंगी वेंचुरी मीटर का अपना एप्लीकेशन है लिमिटेशन होगा तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ऑरिफिस मीटर आपका होता कैसा है ठीक है तो चलिए देखिए ऑरिफिस मीटर का मैं डायग्राम यहां पर बना रहा हूं यहां पर मान लीजिए कि हमारे एक पाइप है जहां पर मुझे क्या मेजर करना है जहां पर मुझे आपका डिस्चार्ज की वैल्यू को मेजर करना है ठीक है यहां पर इस पाइप में क्या होता है ऑरिफिस प्लेट होता है ठीक है ऑरिफिस प्लेट होता है जो कि ये देखिए इस टाइप का आपका एक ऑरिफिस प्लेट होता है और ये कैसा होता है ये सर्कुलर इन नेचर होता है ठीक है ये होता है सर्कुलर ऑरिफिस मीटर यह आपका ऑरिफिस मीटर होता है मैं इसको पूरा अच्छे से समझाऊंगा आप बस समझते जाइएगा ठीक है इस तरह से ठीक है देखिए अगर मैं मान के चल रहा हूं कि डायमीटर जो पाइप का डायमीटर है वो डी वन है ठीक है ये आपका डी वन है और यहां का जो डायमीटर है ये ऑरिफिस प्लेट का डायमीटर को मैं डी नॉट एज्यूम करके चलता हूं अब यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स थोड़ा सा समझिएगा कि ऑरिफिस जो मीटर है वो आपके पाइप में कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि ये जो शार्प एज होता है ये ये भी भी क्या होता है ये भी है है एक सर्कुलर आपका प्लेट मीटर तो यहां पर क्या होता है कि यहां का से पाइप का सेंटर है और इसका जो सेंटर है वो क्या होता है आपस में कॉन्साइड कर देता है ठीक है मतलब जो इस ऑरिफिस प्लेट का सेंटर होता है वही इस पाइप का सेंटर होता है अब यहां से हम क्या करते हैं यहां से भी हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं ठीक है और यहां पर जो प्रेशर डिफरेंस को हम कैलकुलेट करें हमें भी पता है कि यहां पर जो डिस्चार्ज की जो वैल्यू निकाली जाती है थ्रू दी हेल्प ऑफ बर्नॉलीज इक्वेशन कैलकुलेट की जाती है तो यहां पर हम क्या करते हैं डिफरेंशियल मेनोमीटर का यूज करते हैं ये इस टाइप से होता है फ्रेंड्स डिफरेंशियल मेनोमीटर ठीक है इसको मैं और इसको क्लियर बना देता हूं ये आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर और इस जो डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो आपका फ्लूइड होता है वो फ्लूइड क्या होता है वो फ्लूइड आपका होता है मरकरी तो ये रहा आपका मरकरी ठीक है अब ये जो लेवल का जो डिफरेंस होता है इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं जिस तरह से हम वेंचुरी मीटर में करते थे अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर आप वेंचुरी मीटर को समझना चाहते हैं तो इतना आपका डायग्राम मस्ट है ठीक है ये आपका हो गया पाइप ठीक है यह आपका हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर यह आपका हो गया डिफरेंशियल मैनोमीटर ठीक है और यह आपका जो लिक्विड है ये क्या कौन सा है मरकरी एच और इसका कितना डेंसिटी होती है इसकी डेंसिटी होती है थर्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब ओके नाउ यहां पर क्या होता है मैं कुछ चीजें ऐसी बता देता हूं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है जो इसका ये जो होता है आपका जो ऑरिफिस प्लेट होता है इसका ये शार्प एज होता है शार्प एज शार्प एज होता है इसका ठीक है और ये भी कैसा होता है सर्कुलर होता है सर्कुलर होता है इसलिए हमने यहां पर डायमीटर की वैल्यू आपको दी है अब इसका जो डायमीटर होता है यानी कि ऑरिफिस प्लेट का जो डायमीटर होता है ऑरिफिस प्लेट का जो डायमीटर होता है डी नॉट की जो वैल्यू होती है वो डी वन के हाफ बराबर होती है यानी कि जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डी वन के बराबर होती है यह चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ठीक है लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस में जो हम ऑरिफिस मीटर यूज कर सकते हैं या जो यूज करते हैं उसका जो डायमीटर होता है यानी कि डी नॉट की जो रेंज होती है वो जीरो पॉइंट फोर डी वन से जीरो पॉइंट एट डी वन तक क्या कर सकती है वेरी कर सकती है तो इस चीज को भी आप क्या करेंगे नोट no, डाउन कर लेंगे ये लीजिए इसको आपने क्या कर दिया नोट डाउन ठीक है अब क्या होता है यहां पे एक और चीज को समझिए यहां पर क्या होता है जो ये डिफरेंशियल ये जो प्लेट है प्लेट का लेफ्ट साइड वाला अब यहां पर मैं क्या मान के चल रहा हूं मैं मान के ये चल रहा हूं कि जो फ्लूड का जो फ्लोइंग डायरेक्शन है फ्लो डायरेक्शन जो है फ्लूड का वो ये है यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है ठीक है ये मैं लिख सकता हूं डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिस इज दी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ठीक है ये आपका डायरेक्शन ऑफ फ्लो है यानी कि लेफ्ट टू राइट आपका क्या हो रहा है फ्लूड फ्लो कर रहा है ठीक है तो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फ्लूड फ्लो कर रहा है तो देखिए यहां से लेफ्ट टू राइट कर रहा है तो प्लेट का जो लेफ्ट वाला साइड होता होता है वो होता है वो अपस्ट्रीम ऑफ फ्लो ठीक है जो ये ये वाला रीजन होता है है आपका क्या बन जाता अपस्ट्रीम रीजन बन जाता है अपस्ट्रीम रीजन और ये वाला जो रीजन बन जाता है ये आपका क्या बन जाता है डाउन स्ट्रीम रीजन ये आपका क्या बन जाता है डाउन स्ट्रीम रीजन अब यहां पर आप लोगों को दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी वो ये ध्यान रखनी पड़ेंगी कि यहां पर जो ये ऑरिफिस प्लेट है इस ऑरिफिस प्लेट को मैं थोड़ा सा और यहां पर इस टाइप से कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे ये जो आपका ऑरिफिस प्लेट है इस ऑरिफिस प्लेट से जो ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसकी जो दूरी होती है यानी कि अगर मैं इस दूरी को P लिख दूं ठीक है और इस दूरी को मैं Q लिख दूं तो P जो है वो आपके अपस्ट्रीम रीजन पे है यानी कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो ये वाला लिंब है ये P दूरी पे है तो ये जो P की वैल्यू होती है ठीक है ये जो P की वैल्यू होती है एकदम ध्यान रखेंगे ये SSC में पूछा जाता है ये जो होता आपका वन पॉइंट फाइव टू टू टाइम डी d1 के बराबर होती है ठीक है कहां से दूरी होती है इस प्लेट से दूरी होती है ठीक है मैं इस रीजन को रीजन वन मान लेता हूं इस पॉइंट को पॉइंट वन मान लेता और यहां पर इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट ठीक है थोड़ा सा लेंदी सा डायग्राम हो गया है बट इसको ऐसे ही आप समझ सकते हैं ठीक है ओके और ये जो Q होता है आपका ये Q कौन सा है डाउन स्ट्रीम रीजन पे है और इसकी जो दूरी होती है स्प्लिट से जो आपके ये लिम है डिफरेंशियल मेनोमीटर का इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है जीरो पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ डी वन के बराबर होती ठीक है तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर ये मैंने बना दिया है कंस्ट्रक्शन पार्ट इस तरह से आपका क्या होता है इस टाइप से आपका बनता है आपका ऑरिफिस मीटर औरिफिस मीटर में ये उसका प्लेट होता है यहां पर भी बर्नौली इक्वेशन का यूज करके हम डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लेकिन इस पार्ट पर मैं डेरिवेशन पर नहीं जा रहा हूं ठीक है वेंचुरी मीटर का मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया था और वहां पर ही मैंने आप लोगों को यह बता दिया था कि डेरिवेशन करके आप कैसे उसकी डिस्चार्ज की वैल्यू को निकाल सकते हैं ओके नाउ यहां पर मैं क्या कर रहा हूं मैंने ऑरिफिस मीटर के बारे में तो बताया ही आपको अब इसके डिस्चार्ज की भी मैं वैल्यू यहां पर लिख देता हूं ठीक है चलिए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी ओके तो यहां पर अगर मैं डिस्चार्ज की वैल्यू लिखूं अगर मैं यहां पर डिस्चार्ज की वैल्यू लिखूं फॉर ऑरिफिस मीटर तो ये होती है सी डी ए वन ए नॉट अंडर रूट टू जी एच अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर माइनस A not ये क्या होती है डिस्चार्ज की वैल्यू होती है ठीक है ये होती है डिस्चार्ज की वैल्यू और ये जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला देख रहे हैं यहां यहां पर पर जो ये जो ये 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 डिस्चार्ज डिस्चार्ज है है आपका होता एक्चुअल क्या होता है आपका एक्चुअल डिस्चार्ज ठीक है अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर जो ये सीडी है ठीक है ये जो सी है ये क्या होता है आपका कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज होता है ऑफ डिस्चार्ज ठीक है सब कुछ समझाऊंगा मैं बहुत पेशेंस रखिएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत इजीली यहां पर जो ये ए वन होता है ये क्या होता है एरिया ऑफ द पाइप ये क्या होता है एरिया ऑफ पाइप अब यहां पर देखिए यहां पर जो डी वन था ये डायमीटर ऑफ द पाइप था तो एरिया ऑफ द पाइप क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पाई बाय फोर डी वन का स्क्वायर मीटर स्क्वायर ठीक है उसी तरह से अगर आप ए नॉट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए ए नॉट क्या हो जाएगा ए नॉट हो जाएगा आपका एरिया ऑफ दी ऑरिफिस प्लेट ये वाला ठीक है तो यहां पर डायमीटर डी नॉट है तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ऑरिफिस प्लेट और ये कितना हो जाएगा पाई बाय फोर डी नॉट का स्क्वायर मीटर स्क्वायर ठीक है उसके बाद आपका क्या आ गया उसके बाद आपका ये आ गया एच एच क्या होता है डिफरेंस इन डिफरेंस इन प्रेशर हेड ठीक है यह क्या होता है डिफरेंस इन प्रेशर हेड होता है अब यह जो डिफरेंस इन प्रेशर हेड होता है यह किसपे मेजर किया जाता है यह मीटर पर मेजर किया जाता है मेजर किया जाता है मीटर पर मेजर किया जाता है अगर मैं इसको इन फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड लिखना चाहूं अगर मैं इसे इन फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड लिखना चाहूं तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी पी वन बाय रोजी माइनस पी टू बाय रोजी और ये भी में आएगा ये आंसर आना चाहिए आपका मीटर में ठीक है यहां पे वन और टू क्या है देखिए और 2 यहां पर मैंने लिखा ये है ये है तो इस रीजन पे जो प्रेशर हेड की वैल्यू होगी उनका जो डिफरेंस होगा वही किसके बराबर होगा एच के बराबर होगा नाउ यहां पर हमारा जो मरकरी लेवल है उसमें अगर डिफरेंस एक्स शो कर रहा है ड्यू टू प्रेशर देखिए यहां पर क्या है प्रेशर डिफरेंस है ठीक है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या हो रहा है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही देखिए यहां पर क्या होता है जब फ्लूड एंटर करता है आपका तो फ्लूड एंटर करता है तो यहां पर क्या वेलोसिटी कम है क्यों क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा ज्यादा है है और यहां पर क्या वेलोसिटी तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ही आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता है ड्यू टू दी डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया तो बर्नौली इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन क्या होता है पी बायी प्लस वी स्क्वायर पा टू जी प्लस आपका जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब जो ये पॉइंट वन एंड टू है इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से समझा देता हूं ठीक है बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स जो भी पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको आप बस ध्यान रखते जाइएगा देखिए यहां पर पॉइंट वन और टू में मैं बात कर रहा हूं मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि बर्नौली क्वेश्चन लगाता हूं तो पी वन बायस वी वन स्क्वायर बाय टू जी प्लस जेड यह आपका क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है अब अगर मैं वन और टू की बात करूं तो चाहे मैं इसी को रेफरेंस लाइन ले लूं सेंटर लाइन को मैं, ले या किसी दूसरे को ले मैं इनकी दूरी इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अब क्या हो रहा है कि यहां पर जैसी वेलोसिटी देखिए रीजन वन पे अगर मैं मानता हूं कि वेलोसिटी एट वन ठीक है इस रीजन पे वेलोसिटी वन वी वन है और यहां पर अगर वेलोसिटी वी टू है तो हमें यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है डिस्चार्ज के कॉन्सेप्ट से कि यहां पर क्या होगा डिस्चार्ज तो कॉन्स्टेंट होगा डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट हो और अगर यहां का एरिया कम है तो वी टू विल greater ग्रेटर देन वी वन और अगर वी टू बढ़ेगा तो देखिए इस इक्वेशन से अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी क्योंकि दोनों का सम क्या है कॉन्स्टेंट है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पी वन इज ग्रेटर देन P2. और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यहां पर इस रीजन में क्या है प्रेशर ज्यादा है जो ये फ्लूड जो अप्लाई कर रहा है प्रेशर ये ज्यादा कर रहा है इसलिए इतना हेड आपका क्या हो हो गया गया है इंक्रीज हो गया दूसरे कॉलम पर ठीक है ना यहां पर इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं ठीक है ओके सो यहां पर जो यहां पर ये यह जो मैनोमीटर का ये जो रीडिंग है इसे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एक्च लिखना चाहता हूं तो एक्स यहां पर क्या होगा एक्स टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड माइनस वन और ये किस हो जाएगा मीटर में आपका आंसर आ जाएगा ठीक है जनरली क्या होता है जनरली जो, यहाँ पर जो यहां पर मर्करी होता है जो भी फ्लूड यहां से फ्लो होता है या तो वो वाटर हो सकता है या तो वो ऑयल हो सकता है क्योंकि जनरली जो पाइप्स में हम लोग एक फ्लूड को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर करते हैं या जो एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लो कराते हैं उसमें जनरली या तो हम वाटर को फ्लो कराते हैं नहीं तो ऑयल को कराते हैं ठीक है तो दोनों की जो डेंसिटी होती है वो मरकरी के डेंसिटी से कम होती है और मरकरी एक ऐसा लिक्विड होता है जो मेनोमीटर में प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है ठीक नाउ यहां पर अगर आप ये लोग एक चीज ध्यान देंगे तो वो ये है कि अगर आप लोग डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखेंगे मीटर का और डिस्चार्ज का फॉर्मूला कंपेयर करेंगे आपके वेंचुरी मीटर से तो दोनों का फॉर्मूला है, है तो अगर यहां पर डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी सेम है यहां पर जो हेड का जो फॉर्मूला है ये भी अगर सेम है सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगभग लगभग सेम है बस वहां पर क्या होता था वहां पर जो ए वन था वो तो पाइप का एरिया था लेकिन ए टू वहां पर था यहां पे ए नॉट की जगह वेंचुरी पीटर पर क्या था टू था अगर आप लोग ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा तो अगर यहां पर A0 और पे A2 यहां पे A0 है और वहां क्या था था एरिया एरिया ऑफ थ्रोट यहां यहां है 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 और क्या क्या इसका ठीक सो पर हो रहा है अगर सब कुछ लगभग बराबर है तो इसको हम लोग अलग अलग क्यों यूज करते हैं तो उसका कारण ये है फ्रेंड्स कि ओरिफिस मीटर का जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू होती है यानी कि जो CD की जो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है

इसलिए जो हमें रीडिंग मिलती है डिस्चार्ज की वो जो वेंचुरी मीटर होता है वो बहुत कम होता है ठीक है लेकिन तो आप मुझे ये बोल सकते हैं कि सर तो हमें वेंचुरी मीटर का यूज ही नहीं करना चाहिए हमें तो हर जगह सॉरी हमें ऑरिफिस मीटर का यूज नहीं करना चाहिए हमें तो हर जगह वेंचुरी मीटर का यूज करना चाहिए तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स क्या होता है कि जो आपका ऑरिफिस मीटर होता है वो चीप होता है सस्ता होता है लेस कॉस्टली होता है कंपेयर टू वेंचुरी मीटर थीके? और इफ इस मीटर जो होता है हमारा वो ज्यादा इस्तेमाल होता है कंपेयर टू तो वेंचुरी मीटर क्योंकि इसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है ठीक है और दूसरा चीज क्या होता है ये इजी टू फिट होता है बहुत ही अकोमोडे बहुत ही सिंपल होता है बहुत ही ईजी टू हैंडल होता है कहीं भी आसानी से फिट हो जाता है पाइप में क्या होता है ये बहुत आसानी से फिट हो जाता है और तीसरा क्या है कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम लगता है ठीक है देखिए सिविल uh, इंजीनियरिंग वालों का तो मुझे इतना हंड्रेड परसेंट नहीं पता बट एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमारा पूरा फोकस रहता है कि एट लास्ट जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कम आए ठीक है क्योंकि कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ठीक है हम जो भी यहां पर करते हैं पैसों के लिए करते हैं ठीक है मैं यहां नौकरी कर रहा हूं पैसे के लिए कर रहा हूं आप कुछ सीख रहे हैं आप क्यों सीख रहे हैं क्योंकि आपकी जॉब लगेगी तो आप अच्छा पैसा कमाएंगे तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट जो हमार, हम जो हम भी करते हैं एज एन इंजीनियर वो कॉस्ट के अराउंड ही रोटेट होती है डायरेक्टली थिंग इनडायरेक्टली तो यहां पर क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस ठीक है इसका लगाना ठीक है? है चीप होता है कंपेयर टू वेंचुरी मीटर इसलिए और इफ इस मीटर भी क्या होता है इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट मीटर अब मैं क्या करूंगा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा ठीक है तो चलिए एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए जो जो चीज मैंने लिखवाया है उसको नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि वो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी ओके okay. ओके okay, तो चलिए मेरे पास ओके okay, तो मेरे पास आप लोगों के यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है ठीक है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखेंगे ओके सो तो आप लोगों के पास एक पाइप है ठीक है इसी तरह से आप मान लीजिए अरेंजमेंट है उसका इस पाइप में जो डायमीटर ऑफ द पाइप है वो दिया गया है आपको टू फोर्टी एम एम यहाँ पे आपको पाइप का डायमीटर दे दिया है टू फोर्टी एम एम डी नॉट की वैल्यू आपको दे दी गई है ठीक है यहीं पर मैं लिख देता हूँ पाइप का डायमीटर डी वन आपको दिया गया है टू फोर्टी एम एम डी नॉट की वैल्यू यानी कि ऑरिफिस प्लेट की जो डायमीटर है वो आपको दे दिया गया है 120 ट्वेंटी mm. एम एम देखिये ध्यान से देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल से भी समझ में आ रहा है मैंने आपसे क्या कहा था कि डायमीटर ऑफ और जो ऑरिफिस मीटर होता है वो क्या लिया जा रहा है जीरो पॉइंट फाइव टीवन लिया जाता है देखिए है कि नहीं है ओके नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें से जो फ्लूड फ्लो हो रहा है जो फ्लूड फ्लो हो रहा है वो कौन सा फ्लो हो रहा है ऑयल फ्लो हो रहा है ठीक है ऑयल की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे दी गई है, है? है, है? है, है, mm है उसके अलावा जो कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज है यह आपको दे दिया गया है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि आप लोगों को डिस्चार्ज की वैल्यू यहां पर क्या करनी है कैलकुलेट करनी है ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं इसको तो यहां पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो d1 की वैल्यू क्या है d1 की वैल्यू है 240 mm तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ मीटर करना पड़ेगा क्योंकि ये एसआई यूनिट पे नहीं है तो एसआई यूनिट पे नहीं है तो ये कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 1000 ये कितना हो गया 0.24 मीटर ये 0.24 मीटर हो गया तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा तो चलो भाई एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं ये ये क्या हो जाएगा बाय बाय स्क्वायर स्क्वायर यानी कि कितनी वैल्यू आ जाती है देखिए मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूं इसकी वैल्यू आ गई जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टू जीरो पॉइंट जीरो स्क्वायर उसी तरह से आपको डी नॉट की वैल्यू दी गई है डी नॉट की वैल्यू क्या वन ट्वेंटी एम एम तो ये क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय थाउजेंड मीटर तो यहां पे जो ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि देखिए कितनी हो जाती है ये आप क्या जाएगी? ओके उसके बाद आप लोगों को क्या दिया गया स्पेसिफिक ग्रेविटी जीरो पॉइंट डबल एट अब यहां पर जो एक्स है ये एक्स किसके लिए दिया गया ये एक्स मरकरी के लिए दिया गया तो मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है थर्टीन पॉइंट सिक्स तेरह हजार छह सो मत ले लेना स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात हो रही है ठीक है डेंसिटी की बात नहीं हो रही है। अगर डेंसिटी बोलता तो तेरह हजार छह सौ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? चलो ठीक है एक्स की वैल्यू भी आपको फोर हंड्रेड एम दिया गया है क्योंकि यहां पर मरकरी दिया हुआ है ठीक है तो इसको भी मैं क्या करूंगा मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर मीटर ओके okay, कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू देखिए मैंने कहा था जीरोस फोर से जीरो पॉइंट सिक्स फाइव होती है तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया मैंने बुक से उठाया है ठीक है लेकिन यहां पर मैं क्या करूं यहां पर मैं क्वेश्चन लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट यहां पे क्या करा रहा हूं उसको सॉल्व करवा दे रहा हूं ठीक है अगर आपको बेसिक इंग्लिश आएगी और आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओके सो so, यहां पर मुझे क्या करना है डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो डिस्चार्ज का डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है बहुत ध्यान रखिएगा आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर जो मैंने लिखवाई है डिफरेंशियल मेनोमीटर के लिए ठीक है इन और प्लेट तो ये आपको ध्यान रखना है ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसको थोड़ा सीरियसली लेंगे मेरे लेक्चर्स को ठीक है फिर बोलेंगे सर अनूप सर आपने ये नहीं पढ़ाया फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पढ़ाया था आप लोग ने ध्यान नहीं दिया ओके चलो तो यहां पर आपका डिस्चार्ज का वैल्यू क्या होता है डिस्चार्ज का वैल्यू होता है सी a1 ए नॉट अंडर माइनस ए नॉट हमको पता चल गया है a1 ए नॉट हमने निकाल दिया है जी की वैल्यू पता है एच की वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एच की वैल्यू क्या हो गई एक्स टाइम्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यहां पे कौन सा फ्लूइड दिया गया है ऑयल दिया गया है ओके ओके माइनस वन ठीक है तो एच की वैल्यू क्या हो गई एच की वैल्यू आपकी हो गई यहां पर जीरो पॉइंट फोर थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई जीरो पर एच की वैल्यू देखिए इन टर्म्स ऑफ मीटर आएगी तो ये जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा फाइव पॉइंट सेवन एट मीटर अब आप लोग क्या करेंगे इस एच की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो ये कितना हो गया जीरो पॉइंट सिक्स फाइव इन टू ए वन है आप लोगों का जीरो पॉइंट जीरो फोर फाइव टू का स्क्वायर इंटू जीरो पॉइंट जीरो से आपकी क्या आ जाएगी पूरी वैल्यू आ जाएगी तो इसका मैं वैल्यू आपको बता देता हूं यह आ जाता है जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ है दो मिनट बचा है तो दो मिनट बचा है तो हम क्या करेंगे कुछ और भी अच्छी चीज सीख लेंगे वो क्या अच्छी चीज है कि पहली चीज आपका जो आंसर आया है मीटर क्यूब पर सेकंड में है है डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकंड ही होता है ठीक है तो ऐसा यूनिट पे इसलिए आंसर आया है क्योंकि यहां पर जो भी चीज हमने ली वो सारी की सारी किसमें ली ऐसा यूनिट पे ली लेकिन नहीं ली कोफिश ऑफ डिस्चार्ज का तो ऐसा यूनिट नहीं होता ये किसमें थी मीटर स्क्वायर में थी ये मीटर स्क्वायर में थी ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में थी और ये भी किसमें थी मीटर में थी ये सारी की सारी ऐसा SI यूनिट पे थी इसलिए जो हमारा ये आंसर आया है ये ऐसा SI यूनिट पे आया है हमेशा न्यूमेरिकल में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा वो ये है कि अगर आप लोग न्यूमेरिकल में करेक्ट आंसर लाना चाहते हैं तो वहां पर आप जितनी भी वैल्यूज को निकाल रहे हो उसको ऐसा SI यूनिट पे कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो आपका आंसर भी ऑटोमेटिकली ऐसा यूनिट पे आ जाएगा उसके लिए फिर आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा

दूसरी चीज यह है भाई कि ये जो हमने एच को कैलकुलेट किया है और ये एच जो है फाइव पॉइंट सेवन एट मीटर इंटर मतलब किस फ्लूड का आ रहा है मीटर ऑफ मीटर ऑफ क्या मीटर ऑफ तो ये आंसर है ऑफ फ्लोइंग फ्लूड फ्लोइंग फ्लूड के लिए आता है ठीक है ये जो एच आ रहा है ये क्या एच क्या होता है एक्चुअली में वो प्रेशर हेड होता है ना प्रेशर हेड का डिफरेंस होता है तो भाई प्रेशर हेड का डिफरेंस किस फ्लूड की वजह से क्रिएट हो रहा है भाई फ्लोइंग फ्लूड की वजह से क्रिएट होना है ना तो यहाँ पे मरकरी मत लिख देना दिमाग नहीं लगाना एस एस सी जे में आर आरबी जे में सी जी एस सी एस में या स्टेट ए में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा ऑरिफिस मीटर में ठीक है तो इस हाफ एन आवर में मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऑरिफिस मीटर के आपको क्या कर दिए डिलीवर कर दिए नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पिटॉट ट्यूब के बारे में पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से और पिटॉट ट्यूब में मैं बताऊंगा कि पिटॉट ट्यूब क्या होता है उसमें हम क्या मेजर करते हैं उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करो सब्सक्राइब कर दो एकदम बढ़िया तरीके से ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच